टुडे वी लर्न आवर यूनिट नंबर 5 पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होती है? आलूदगी। पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। जो आलूदगी होती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल क्या होती है, नुकसानदेह होती है। इट इज़ कॉज बाय, अब ये किस वजह से होती है? स्मोक कमिंग आउट ऑफ कार, जो धुआं निकलता है गाड़ियों में से, वे बसेस बसों में से, रिक्शास में से, ये देखें एरोप्लेन में से, ट्रेन में से, ये जो सब धुआं निकलता है ये हमारी सेहत के लिए हार्मफुल होता है। और ये किसका कॉज बनता है? पोल्यूशन का कॉज बनता है। रविश एंड डर्ट वी थ्रो इन स्ट्रीट्स, अब जो कूड़ा करकट हम लोग क्या कहते हैं अपने घरों से बाहर फेंक देते हैं, हम चलते फिरते गाड़ियों के अंदर से जो हम खाते हैं रैपर्स को बाहर फेंकते हैं, ये भी एक पोल्यूशन का कॉज बनता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कूड़ा करकट को डस्टबिन में प्रॉपर फेंकें। ठीक है, और अपने जो घर का कूड़ा होता है उसको प्रॉपर प्लेस पे फेंकें, इस तरह गलियों में और जगह जगह फेंकने से पोल्यूशन होती है। ओके, फ्यूम्स कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्रीज, जो धुआं निकलता है फैक्ट्रीज के अंदर से वो भी पोल्यूशन का कॉज बनता है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए या इंसानों के लिए और कोई भी लिविंग थिंग के लिए नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, हार्मफुल होते हैं। फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ऑल्सो स्प्रेड जर्म्स, अब मच्छर और मक्खियाँ भी जर्म्स फैलाते हैं। कैसे? जो मच्छर होते हैं और मक्खियाँ होती हैं वो गंद पे के ढेर पे बैठते हैं, कूड़ा करकट के ऊपर बैठते हैं। जो मॉस्किटोज होते हैं वो फिर इंसानों को काटते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स स्प्रेड होते हैं। और फ्लाइज क्या करती हैं? आपके फूड के ऊपर बाहर गंदी जगह से वो बैठ के आती हैं, फिर वो आपके फूड के ऊपर बैठती हैं और आपके जर्म्स को ट्रांसफ़र करती हैं। इसलिए आप लोगों ने अपने फूड को प्रॉपर कवर करना है और जो कूड़ा करकट है उसको इस तरह नहीं फेंकना कि वहाँ पर फ्लाइज और मॉस्किटोज इकट्ठे हों, वहाँ पर आप लोगों ने केयर करनी है। ठीक है, एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़ नॉट गुड फॉर अस, किसी टाइप की भी पोल्यूशन आलूदगी हमारे लिए अच्छी नहीं होती। इट मेक अस सिक, वो हमें बीमार कर देती है। ठीक है, अब किस किस टाइप की पोल्यूशन होती है? नॉइस पोल्यूशन होती है, एयर पोल्यूशन होती है और वाटर पोल्यूशन होती है। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन जो होती है वो हमारे शोर से, हम जब शोर करते हैं जैसे गाड़ियों के हॉर्न बजते हैं, ये भी पोल्यूशन होती है। ठीक है, ये इंसान की सेहत को डिस्टर्ब करती है। ठीक है, उसके अलावा हम आ जाती है वाटर पोल्यूशन आ जाती है, जैसे हम लोगों की जो फैक्ट्रीज़ का जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारा पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, वो पानी पे इंसान जब पीता है वो भी एक पोल्यूशन का कॉज बन रहा होता है। ठीक है, जिससे हमारी क्या कहते हैं, जो आपको पता है जो समुंदर में या इस तरह पानी में रहने वाली मखलूक है वो भी उससे बहुत मुतासिर होती है, डिस्टर्ब होती है। ठीक है, और काफ़ी डेथ्स भी हो जाती हैं उनकी। ठीक है, और क्या कहते हैं, अच्छा अब हम करेंगे एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन, जैसे उन्होंने बताया इज़ नॉट गुड फॉर है अस, इट मेक अस सिक, हमें बीमार करती, टू मेक आर सेल्फ हेल्दी, अब हमें अपने आप को सेहतमंद करने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप आर एरिया नीट एंड क्लीन, हमें अपने इर्द गिर्द के एरिया को क्या रखना चाहिए? साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, अब हम एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाते हैं। सेलेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपने यहाँ से एक वर्ड को सेलेक्ट करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। ठीक है, पोल्यूशन इज़ वेरी गुड, नो इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज स्प्रेड जर्म्स, we should keep our area neat and clean, smoke also cause pollution, flies like dirty places, okay, आप लोगों ने complete the words and learn the spellings, अच्छा अब आप लोगों ने इन words को complete करने हैं और ये spellings आप लोगों ने सब लोगों ने याद करने, ये आपके dictation words में भी आ सकते हैं। pollution, harmful, health, rickshaws, factories, mosquitoes, sick, germs, healthy, neat, fumes, rubbish, ठीक है, अच्छा ये अब हमारे नेक्स्ट क्लास का आ जाता है, आप लोगों ने इतना ही करना है। ठीक है, फिर हम लोग इंशाल्लाह आगे देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने ये सारा काम अपनी नीट एंड क्लीन करना है, कॉपीज़ के ऊपर करना है और याद भी करना है, ये सारा आपके पहले 5 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म के अंदर शामिल हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।